जो बच्चे इंग्लिश में 10th इंग्लिश के पेपर में बड़ा मसले आए हैं, उनको नहीं पास हो सकते, उनके लिए बड़ा आसान तरीका बताने लगा। पेज नंबर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का 161 से लेके 166 तक 5 एमसीक्यूज उसमें से आने। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ही करेक्ट स्पेलिंग में जितने भी एमसीक्यूज हैं बैक पे वो कर लें, 4 नंबर के वो आने। सिनोनिम्स के भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले ही आएंगे, वो भी 5 नंबर के आपकी बुक के एंड पे गिवन है। ये आपको लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगी हमारी इसी चैनल पे, आप जाएंगे 10th क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर के नाम से पढ़ी हुई है, वहां से आपको मिल जाएंगे। ग्रामर के 5 एमसीक्यूज आते हैं जिसमें करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट ऑप्शंस को अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपने सेलेक्ट करना है, और ये टोटल एमसीक्यूज आ जाते हैं 19 नंबर के। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अगर आपने पहले 5 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लिए उनके क्वेश्चन आंसर, तो आपका पार्ट 1 5-10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेटेड उर्दू वहां पे आपको सिलेक्टिव हमने बताए हैं वो आप कर लें। अब जो सबसे बड़ा मसला है ऐसे का 15 नंबर का, वो आना है। आप 5 साल पेपर में जो गिवन ऐसे आप उसको ट्रैक कर लें, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो ग्रामर में आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर है उसका पेज नंबर 169 से 175 में जो गिवन है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, सर आप वही कर लें तो आपके 5 नंबर कन्फर्म है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी 175 से 178, ये इंग्लिश ग्रामर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, वो उसमें से आपने सेलेक्ट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।